आईपीएल 2023 का आगाज 31 मार्च से होने को है, जहां पर गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सीएसके आमने सामने होंगी। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले संस्करण में आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम करके इतिहास रचा था और हार्दिक पांड्या के अगुवाई वाली गुजरात एक बार फिर वही कीर्तिमान दोहराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। सीएसके के खिलाफ पिछले साल खेले गए दोनों मुकाबलों में गुजरात ने शानदार जीत प्राप्त की थी और 31 मार्च को होने वाले मुकाबले में गुजरात उसी लय को बरकरार रखने का प्रयास करेगी। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में हम देख लेते हैं कि पहले मैच के लिए गुजरात के कौन से खिलाड़ी हैं अनुपलब्ध और उनकी गैर मौजूदगी में क्या होगी गुजरात की अंतिम 11। आईपीएल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आईपीएल का 16वां सीजन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होंगी। मैच के शुरुआत से पहले दोनों ही टीमों को चोट के रूप में काफी बड़े बड़े झटके लगे हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस के अंतिम 11 की, जो कि वो पहले मैच में उतारने वाले हैं। तो अगर हम गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो वहां पे उनके पिछले साल के मैच विनर खिलाड़ी डेविड मिलर अनुपलब्ध हैं और पहला मैच वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे। डेविड मिलर राष्ट्रीय ड्यूटी के कारण अभी तक गुजरात टाइटंस टीम से नहीं जुड़े और उनके 3 अप्रैल तक इस टीम से जुड़ने की संभावना है। अगर हम गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो सुमन गिल और रिद्धिमान शाह ओपन करते हुए नजर आएंगे। पिछले साल दोनों का जबरदस्त परफॉर्मेंस था और इन्हीं दोनों के साथ फिर से गुजरात टाइटंस एक बार पारी की शुरुआत करना चाहेगी। नंबर 3 पर एवर रिलायबल केन विलियमसन खेलते हुए नजर आएंगे और आशीष नेहरा ने उनके इस रोल की पुष्टि ऑप्शन टेबल पर ही कर दी थी। हार्दिक पांड्या नंबर 4 पे खेलते हुए दिखेंगे, तो वहीं डेविड मिलर की अनुपस्थिति में मैथ्यू वेड फिनिशर के रूप में नंबर 5 पे बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। पिछले साल के हीरो रहे राहुल तेवतिया नंबर 6 पे बल्लेबाजी करेंगे और वहीं अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान नंबर 7, तो वहीं वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। इस साल गुजरात ने ऑक्शन टेबल पे शिवम मावी को अपने नाम किया था, तो उनके बाद जयंत यादव और मोहम्मद शमी की बारी आएगी। अगर हम बात करें इस टीम के पेसरों की तो 3 पेसर होंगे, अल्जारी जोसेफ, शिवम मावी, मोहम्मद शमी, और इनका बखूबी साथ निभाएंगे कप्तान हार्दिक पांड्या। अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो वहां पे राशिद खान, राहुल तेवतिया और जयंत यादव इस डिपार्टमेंट को पूरा करेंगे। जयंत यादव इस मैच में इसलिए खेलते हुए देखे जा रहे हैं क्योंकि सीएसके टीम के पास काफी लेफ्ट हैंडर्स हैं और लेफ्ट हैंडरों के खिलाफ जयंत यादव का मैचअप्स काफी ही अच्छा रहता है, जिस कारण जयंत यादव को इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।